हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। मेरे ये चश्मे को मैं बाय बाय बोलने वाली हूँ कल। तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि एक्चुअली मैं लेज़र ट्रीटमेंट से ये नंबर रिमूव होता है वो वाला लेज़िक ट्रीटमेंट कराने वाली हूँ। मेरे ये पावर वाले स्पेक्स है तो उसको रिमूव करने के लिए। तो मैं लास्ट थर्सडे गई थी चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा होता है कि हमको कांस्टेंट नंबर रहने चाहिए और फिर हम ऐसे वो आँख को ऐसे ऐसे वो बहुत ज़्यादा हम रब नहीं कर सकते हैं और फिर हमको बहुत ऐसे कुछ रीजंस होते हैं उसकी वजह से भी हमको नहीं होता है। वो टाइम लिमिट और ज़्यादा देते हैं कि आप दो चार महीने और रुक जाओ, बाद में हम देखेंगे, फिर से चेक करेंगे और बाद में हम आपके लिए डिसीज़न लेंगे कि आपका वो लेज़िक ट्रीटमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर मेरे का तो मेरे को तो पहली बार में ही मेरे को हो गया कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं आपको हो जाएगा। और कल भी मैं गई थी, कल ट्यूसडे था तो कल भी मेरे को बोला हुआ था कि आप ट्यूसडे आना फिर से दिखाने के लिए। तो मैं कल भी दिखाने गई थी तो उन्होंने बोला था कि नहीं हो जाएगा। तो या आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं ये पहन रही हूँ कि ये स्पैक्स पावर वाले। तो मैं अब मेरे को ये कंटा लगा है। मैं लेंस भी पहनती थी कि मैं ऑफिशियली पहनती थी कि मेरे को कहीं पे जाना होता है पार्टी वार्टी या तो आउटिंग के लिए जाना रहता था तो मैं लेंस डाल के चली जाती थी। पर मेरे को अब ऐसा कंटा लगा है कि क्या ये रोज का झंझट। तो मम्मी पापा ने मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि तू करवा लेना, मेरे भैया ने भी करवाया हुआ है ये वाला लेज़िक ट्रीटमेंट। तो उन्होंने भी बोला कि करवा ले तो ये झंझट चली जाएगी वो ऐसा। और फेस का लुक भी आई नो कि आई एम लुकिंग क्यूट इन दिस पैड्स बट मेरे को नहीं अब अच्छा लगता कि कहीं पे भी जाना रहता है। मेरे को गूगल्स का बहुत शौक है। मेरे को गूगल्स का वो पहले से ही मेरे को गूगल्स और वो सनग्लासेस का बहुत ज़्यादा वो था। बट मेरे को ये वाले स्पेक्स आ गए तो क्या करूँ यार। अब मैं वो इसके ये पहनते हैं तब तो हम ये गूगल्स पहन नहीं सकते। आई नो कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, वो स्पेक्स वाले भी आते हैं, 2-in-1 भी आते हैं। बट मेरे को इतना खर्चा नहीं करना था उसमें बिकॉज वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो मेरे को वो नहीं करना था बिकॉज वो वाले 2-in-1 वाले में कैसा होता है कि स्क्वायर वाले ही आते हैं या तो वो ऐसे बड़े स्क्वायर वाले नहीं गूगल्स आते हैं रेबन के और वो सब के तो ऐसे ही आते हैं। तो मेरे को वो शेप नहीं अच्छा लगता है इसलिए मैंने वो करवाए नहीं। तो ऐसे वो मैग्नेट्स वाले आते हैं कि ऐसी फ्रेम आती है उसकी, उसके ऊपर हमको जब सनग्लासेस पहनना होता है तो हमको इच्छा करे कि नहीं भी आज हम सनग्लासेस के लिए कोई बाहर जाना हो दोपहर में तो हम सनग्लासेस लगाने के हैं तो उसके ऊपर ऐसे ही चिपका देने का होता है तो मैग्नेट से वो चिपक जाएगा तो एग्जैक्ट सेम ही होता है तो वो अलग से आता है। और अभी वो ग्लासेस ये वाले ग्लासेस भी एडवांस हो गए हैं कि हम धूप में जाए तो वो यूवी प्रोटेक्शन वाला कुछ देता है तो वो ये वाले थोड़े ब्लैकिश टाइप हो जाता है तो वो ऐसे ही सनग्लासेस के जैसे लुक देते हैं। बट वो सब मेरे को एग्जैक्ट सनग्लासेस वाला लुक नहीं आता है उसमें तो मेरे को वो सब नहीं चाहिए था। तो मेरे को ऐसा गुजराती हूँ ना थोड़ी तो गुजराती आ ही जाती है बीच में तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं चलो ना ये लेज़िक वाला ट्रीटमेंट ही करा देते हैं। तो मैं गई थी, इतना सारा रश था ना कि बहुत बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे को तो नहीं पता था। मम्मी बोल रही थी कि नहीं तू चल। मैंने 2 सालों से मैंने ये नहीं करवाया है कि नहीं करवाएंगे करके मैंने ये जाने दिया। बट मैं गई थी लास्ट थर्सडे तो इतनी सारी पब्लिक थी वहाँ पे, ओ माय गॉड। मैंने सोचा कि इतने सारे लोग करवाते हैं तो मैं भी मेरा थोड़ा परसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ कि नहीं इतने सारे लोग आते हैं तो हमारे नड़ियाद से के मैं प्रॉपर नड़ियाद से हूँ तो हाँ इतने सारे नड़ियाद में ही है तो इंडिया में कितने सारे लोग होंगे कि वो लोग ऐसा लेज़िक ट्रीटमेंट करवाते होंगे।
तो मैंने तो सोचा कि भाई चलो हमारे यहाँ पे तो अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो करवा ही लेते हैं। तो कल वो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि नहीं आपका हो जाएगा। तो मैंने थर्सडे की, मेरे को मिल रही थी 30 की, बट जुगाड़ लगा के, जुगाड़ इन द सेंस के यहाँ पे तो आपको पता ही है कि हो जाता है। डॉक्टर की हमको डॉक्टर से हमको पहचान थी, तो उनको बोल के, डॉक्टर से बोल के हमने ये थर्सडे की, लाइक 23 की मेरे को अपॉइंटमेंट मिली है। तो मेरा 23, ओ माय गॉड, ये कल ही है। तो कल ही मेरा है वो ऑपरेशन। तो उन्होंने मेरे को दिया हुआ है, वेट मैं आपको दिखाती हूँ कि सी, उन्होंने मेरे को ये ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स दिए हुए हैं। तो इससे मेरी आई का ये वाला पोर्शन है तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा, वो ऐसा बोल रहे थे वो डॉक्टर को देखने के लिए, वो लेजी लेजी ट्रीटमेंट करने के लिए। उनको जो भी चाहिए था इसके लिए मेरे को ये ड्रॉप दिए हुए, दिन में 4 बार हमारे ये आईज में डालने के लिए। तो या मैं कल से डाल रही हूँ, बिकॉज मेरे कल ही मेरा ऑपरेशन है तो 2 दिन पहले ये डालना होता है। तो मैं ये वाला कर रही हूँ अभी। तो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कैसा होता है, कैसा फील होता है। तो और क्या आपको लाइक, जो लोग डरते होंगे कि नहीं ये कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मैं आपको मैं एक्सपीरियंस करूँगी उसको, उसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि नहीं क्या है उसका सीन क्या नहीं है। तो आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड एंड ऑल्सो सो स्कैर्ड कि मेरे को पता नहीं है ये कैसे होगा, कि पेन पेन होगा कि नहीं होगा, कि कैसा करना होता है, आई डोंट नो। सो मेरे को थोड़ा सा वो नर्वसनेस बोल सकते हैं, एंजाइटी बोल सकते हैं, तो वैसा वाला मेरे को अभी फीलिंग आ रहा है। तो या होप सो हम देखते हैं कल कैसे होता है, कि कैसा रहेगा ये मेरा कल का दिन। और इसके बाद तो मैं मेरे चश्मे को तो बाय बाय बोल दूंगी। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस कि मेरे को ये वाला झंझट नहीं होगा अब मेरे को, कि ये लड़कियों का रहता है कि थोड़े थोड़े टाइम में हमको सब कुछ चेंज करना रहता है, कि ये स्पेक्ट्रम में थोड़े टाइम के बाद हमें नहीं लगता है कुछ नया है, तो उनको नया ट्राई करना रहता है, करना लाइक ट्राई करने का हो जाता है मन। तो घर पे तो चिलन चिली चालू हो जाती है कि नहीं अभी 6 मंथ भी नहीं हुआ, फिर भी तेरे को अभी नए नए वाले कराने हैं, वो कराने हैं, तेरे को ये नहीं कराने का, ऐसे ही पैसे बिगाड़ रही है, वो सब लेक्चर चालू हो जाता है। तो अब इसके लिए मेरे को कुछ सुनना नहीं पड़ेगा कि नहीं बस अब बस हो गया, मेरे को तो ये इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट एंड या सो या मिलते हम कल के क्या होगा, तो कैसा रहेगा, कितने टाइम लगेगा, वो सब मैं आपको कल बताऊंगी। मेरा एक्सपीरियंस मैं ले लूँगी, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो या स्टे ट्यून फॉर दैट। सो या बाय। ठीक गाइस, ये जो मैं बोल रही थी, मैं जहाँ पे ऑपरेशन करवाने के लिए जा रही थी वहाँ, ये यहाँ की हॉस्पिटल है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा एंट्रेंस है, वो सब है। इसका नाम है श्री संतराम नेत्र चिकित्सालय। लास्ट व्लॉग वेडनेसडे को किया हुआ था और आज है संडे, बिकॉज मेरा ये लेजी ट्रीटमेंट का ऑपरेशन हुआ था थर्सडे को, आई थिंक सो या 23 को मेरे का ऑपरेशन हुआ था। तो इसलिए मैंने ये 2 दिन, फ्राइडे सैटरडे, मेरे को डॉक्टर ने मना किया था कि आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते हो, तो मैंने फ़ोन नहीं यूज़ किया है। इसलिए मैंने बाकी का वो ब्लॉग था कि मैंने शूट करके रखा हुआ था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये ट्रीटमेंट के लिए, वो सब मैंने पहले का शूट करके रखा हुआ था, और आफ्टर ट्रीटमेंट का मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो या सो इट वॉज लाइक पेनलेस, एब्सोल्युटली पेनलेस ट्रीटमेंट फॉर मी। बट जैसे ही ट्रीटमेंट हो जाता है, इसके बाद ये सब आई आई के आसपास जो आउटर एरिया होता है, वो लोग वैसे आई ड्रॉप्स अंदर अंदर का भी हमको नम कर देते हैं और बाहर का एरिया भी हमको नम कर देते हैं, इसलिए हमको कुछ पता नहीं रहता है कि क्या हो, दिख सब रहा होता है, दिख सब हम देख सकते हैं सब कुछ, पर हमको वो पेन नहीं होता है उससे। तो वो एक प्लस पॉइंट है कि हमको कुछ पेन नहीं हो रहा है, टोटली पेनलेस ट्रीटमेंट है ये लेजर वाला। तो मेरे को तो मस्त, एकदम मस्त, अभी तो मेरे को मस्त एकदम फीलिंग आ रही है कि बिना चश्मे, ये वाला चश्मा मेरे को आफ्टर ट्रीटमेंट दिया था कि
मैं जब भी बाहर जाऊँ तो मेरे को ये पहन के जाने का रहता है, बिकॉज बाहर बहुत डस्ट और वो सब रहता है और हवा भी ज़्यादा रहती है, उसके कारण हमारे आँख में कुछ चला ना जाए, इसलिए ये वाले स्पेक्स हमको दिए थे कि अभी 15 डे तक हमको पहनने का रहता है। और इट्स मैंडेटरी, लाइक मैंडेटरी तो नहीं बोल सकते हैं, पर फॉर मी और मैंने ऐसा लिया है कि नहीं मैंडेटरी है, बिकॉज मैं जो ऐसा लिबरल ले लूँ कि नहीं नहीं चलेगा तो मैं ये नहीं पहनूंगी, बिकॉज मेरे को ये सब झंझट नहीं चाहिए था जिसके लिए मैंने ये सब करवाया था कि लाइक मेरे को नहीं अब स्पेक्स पहनने का है, मेरे को नहीं अब लाइक मेरे को बहुत सारा कंटा लग गया था वो स्पेक्स पहन के। मैं ओकेजनली लेंस पहनती थी बट अभी तो मेरे को नहीं चाहिए था बस कि नहीं पहनने का है। जब भी मेरे को मेकअप रिलेटेड वीडियो डालना रहता था तो मेरे को पहले लेंस पहनने का रहता था और सब मेरे को प्रेप करना रहता था पहले से ही, मेरे को बहुत सारी झंझट लाइक बहुत सारा मेरे को वो चिक 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 मेरे को लगता था, तो मेरे को वो सब नहीं अच्छा लगता है। ये तो ऐसा ही कि चलो ये लेंस नहीं पहनने का है, वो हमारे के लुक अलग करने के लिए हम पहने ही, वो अलग है बिकॉज मेरे तो पावर वाले मेरे को नंबर थे वो, तो पावर वाले लेंसेज तो पहनने ही पड़ते हैं तो ही हमको दिखता है, या तो फिर हम ओकेजनली बाहर जाए तब भी मेरे को पहनना पड़ता था वो, तो ही मेरे को लाइक बिना चश्मे का मैं घूम सकती थी बाहर, तो मेरे को वो सब नहीं चाहिए था। मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब से मेरे को स्पेक्स थे बिकॉज आई लव वॉचिंग टीवी, तो पहले तो मैं कार्टून इतना देखती थी तो आई थिंक सो मेरे को टीवी के कारण मेरे को ये स्पेक्स आ गए थे मेरे चाइल्डहुड से, चाइल्डहुड तो नहीं बोल सकते बट 7th स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, 7th स्टैंडर्ड से मेरे को ये स्पेक्स थे, तो मैं जस्ट फेड अप हो गई थी ये स्पेक्स वाले सिनेरियो से। सो या अब मेरे को इतना मस्त लग रहा है कि लाइक आई एम ओवर द मून, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि लाइक ओ यस मैं तो बहुत मस्त फील आ रही है विदाउट ये स्पेक्स, लुक एट दिस, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं स्पेक्स बिना मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, बिकॉज ये वाले स्पेक्स में क्या है कि ये बहुत हार्ड है तो मेरे को ये ईयर्स के पीछे मेरे को थोड़ा थोड़ा ये पेन दे रहा है, तो मेरे को ये सब हेडेक और वो सब साथ में हो जाता है इसके कारण, तो मैं थोड़ी देर पहनती हूँ कि मेरे को बाहर जाने का है वो सब कुछ रहता है तो मैं पहनती हूँ, बाकी तो मैं घर में बहुत ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, पर मेरी मम्मा चिलम चिल्ली करती रहती है कि नहीं तू पहनती नहीं है बोला है 15 दिन पहनने के लिए फिर भी तू पहन नहीं रही है, तो मम्मी के कारण मैं पहन लेती हूँ कि वो चिलम चिल्ली ना करे, बिकॉज ऐसा कुछ डॉक्टर ने बोला था कि आपको घर में भी पहन के रखना है, और ऐसा बोला था कि आपको बाहर जाते वक्त तो ये कंपलसरी पहनना है, और बहुत ज़्यादा हवा आ रही हो ऐसे में आपको नहीं बैठना है, बिकॉज जैसे ही हमारा ये कॉर्निया है आइज़ के ऊपर ये वहाँ से फ्लैप उठाते हैं बाद में लेज़र के रेज डालते हैं वो ऐसा कुछ ट्रीटमेंट रहता है, तो इसलिए वो वहाँ इसको दो मिनट वो जैसे ही था वैसे ही रखने में 2 मिनट ही जस्ट ऐसा होता है, पर 24 आवर्स तक तो हमको बहुत कुछ लाइक बहुत संभालना पड़ता है, और 15 डेज तक हमको ये वॉश नहीं करने का है फेस, ऐसे ही जस्ट गीला कपड़ा करके हमको ये हम क्लीन कर सकते हैं हमारे फेस को बट हम वॉश नहीं कर सकते बिकॉज आइज़ में पानी चला जाएगा और वो सब आइज़ के लिए अभी ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि 15 डेज तक तो आपको फेस वॉश नहीं करना है, तो मैं तो दिन में 3 से 4 बार के 5 बार तो मैं गीला कपड़ा करके ही मैं लूज लेती बिकॉज मेरी स्किन बहुत ऑयली है, ये वाला टी जोन तो मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर एट दिस मोमेंट, बट क्या कर सकते हैं अभी तो शैम्पू भी नहीं करने का है 15 डेज तक, तो या डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि जब भी हम ऑपरेशन करवाने जाए तो उस दिन ही हमको शैम्पू करके आने का है बिकॉज नेक्स्ट 15 डेज हम शैम्पू नहीं कर सकते, तो या मेरा तो अभी से थोड़ा ही लाइक मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं तो सैलून में जाके करवा लूँ, पर उससे पहले मैं शैम्पू का डॉक्टर से पूछ लूँगी कि मैं सैलून में जाके करवा सकती हूँ कि नहीं करवा सकती हूँ, बिकॉज मेरे को तो ये नहीं अच्छा लग रहा है कि लाइक बिना शैम्पू किए, जो फिर भी अभी 4 ही दिन हुए पर फिर भी मैं तो वीक में 2 बार वॉश करती हूँ ना, तो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, तो या सो ऐसा कुछ डरने वाला है नहीं इस ट्रीटमेंट में, तो आप डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट करवा सकते हो, पेनलेस या टोटली पेनलेस ट्रीटमेंट है लेजिक ट्रीटमेंट, और मैंने जो ये ट्रीटमेंट कराया था वो एक्जाइमर लेजिक ट्रीटमेंट है, तो बस यही है, आप सर्च करके भी देख सकते हो ये कैसे होता है, वो डिटेल में यूट्यूब पर वीडियो में भी देख के ही गई थी कि क्या क्या होने वाला है, फिर भी डॉक्टर ने बाहर आके बोल दिया था कि ऐसे ऐसे होगा ऐसे ऐसे होगा सब कुछ, डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे अहमदाबाद के थे, तो उन्होंने सब कुछ बोल दिया था कि नहीं ऐसे ऐसे होगा तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है,
और इसके बाद क्या होगा कि 99% पीपल को थोड़ी सी चलन रहती है आइज में, थोड़ा वो कुछ हमको नहीं रहता है कि आइज में कुछ है कुछ है, ऐसा वाला फीलिंग आता है किसी किसी को, ऐसा सब होता है आफ्टर ऑपरेशन, तो आफ्टर ट्रीटमेंट, तो डॉक्टर ने पहले से ही सबको बोल रहा था ये सब कॉमन है, तो फिकर मत करना, और वो सब डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था, तो मैं तो हैप्पी हूँ अभी, लाइक टोटल थम्स अप फॉर दिस ट्रीटमेंट फॉर मी और फॉर माई साइड, फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो या आप भी करवा सकते हैं, और हमारे नड़ियाद में यहाँ पे संतराम का आई वाला हॉस्पिटल है, यहाँ पे ही मैंने करवाया है, उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, लिया हुआ है, वो भी मैं अभी बीच में डाल दूँगी कि कैसे कैसे वो वहाँ पे, और इसका कॉस्ट है 10,000 रुपीज़ यहाँ पे, बाकी तो प्राइवेट में 25,000-30,000-45,000 ऐसा कुछ और रहता है, आई डोंट नो, बट मेरे फ्रेंड ने प्राइवेट में करवाया था आनंद ने, तो उसको 25,000 में पड़ा था उस टाइम पे, आई थिंक सो इससे 2021 आई थिंक सो लास्ट ईयर ही उसने करवाया था, तो उसको 25,000 में पड़ा था, बट हमारे ये नड़ियाद में यहाँ पे है ही फैसिलिटी, तो भाई ने भी करवाया था पहले, तो भाई ने भी बोला कि नहीं तू यहाँ पे ही करवा ले, यहाँ पे मस्ती है, बहुत सारे लोग आए थे, बाहर से आए थे, नवसारी से भी आए थे, अहमदाबाद से भी आए थे, सुरेंद्रनगर से भी आए थे, मेरा मैंने जिस जिस से बात किया था वो सब आउट ऑफ सिटी से ही थे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो या मस्त ट्रीटमेंट है, डॉक्टर भी अहमदाबाद से ही आते हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे चेक कर सकते हो, और ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ डरने वाला नहीं है, तो या सो ये आप एज अ पॉजिटिव रिव्यू मेरा ये आप ले सकते हो कि अच्छा रहा है, तो या बाय, टेक केयर। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे डाल दूँगी, वहाँ पे भी फॉलो कर देना, और यहाँ भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।